कैंट पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरी के 11 वाहनों के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान भानु प्रताप सिंह उर्फ मंकू सिंह पुत्र पीयूष सिंह निवासी सिद्धार्थ इनक्लेव तारामंडल रोड थाना खोराबार के रूप में हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 8 वाहन चरपहिया और 3 दोपहिया वाहन बरामद हुए। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त चोरी के वाहनों से ट्रेवल एजेंसी चलाता था तथा नंबर प्लेट को भी बदल देता था, जिसको गुरुवार को चंपा देवी पार्क थाना कैंट से के मैदान से कुल 5 चरपहिया वाहन व 3 दोपहिया वाहन चोरी के व 3 अन्य वाहन संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया। तो मोटरसाइकिलिया वही करना चाहिए था बगलिया में। पीछे देख स्कूलों में एक स्पेशल टीम बनाई गई थी, उस टीम ने आज सफलता मिली है और एक भानु प्रताप सिंह नाम के व्यक्ति को पकड़ा, जिससे हमें काफ़ी संख्या में गाड़ियां मिली हैं, जिसमें उसके पास से जो कुल गाड़ियां मिली हैं वो हैं तकरीबन 11 गाड़ियां हैं, लेकिन उसमें से 8 चोरी की सिद्ध हो चुकी हैं, जिनमें फर्जी नंबर प्लेट लगी है या किसी और केस में वांछित हैं, जिसमें आपके सामने खड़ी हैं 5 चार पहिया वाहन हैं और 2 पहिया वाहन हैं और उसके साथ ही 3 और चार पहिया वाहन मिले हैं। उनकी जो है संदिग्ध परिस्थितियां हैं, अभी उनको चेक किया जा रहा है कितनी जल्दी में, और इसमें ये प्राथमिक जांच में पाया गया है कि ये जो गाड़ियां यहां पर पाई गई हैं ये वेस्टर्न यूपी से चोरी करके इधर बेचने की कोशिश होती थी और ये एक अपनी ट्रैवल एजेंसी भी चलाता था अपराधी, और उसमें वो इस्तेमाल करता था। तो ये एक तरह से अंतर डिस्ट्रिक्ट गैंग है बड़ा सा, जिसका खुलासा हुआ है और अभी इसमें और लोगों की गिरफ्तारी भी संभव है। नंबर प्लेट में भी छेड़छाड़ किया गया? जी, हर तरह से छेड़छाड़ है इसमें। RCB अगर कहीं गलत, वो अभी जांच का विषय है, हर तरह से निकलेगा, लेकिन ये साबित हो गया है 5 चार पहिया वाहन और 3 दो पहिया वाहन जो है इसमें चोरी के साबित हो गए। पूरा गैंग है इन लोगों का कि अकेले का? अभी फिलहाल एक ही व्यक्ति पकड़ा गया है, उससे इतनी गाड़ियां बरामद हुई हैं। सर बैंक यह है कि 8 के आसपास 4 5 चार पहिया वाहन और 3 दो पहिया वाहन जो है चोरी के हैं।